देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस एक ऐसी जनहितकारी शराब नीति लेकर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत आम जनता को विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं को इसके कारण आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस मामले में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसे भाजपा सरकार की शराब नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जन जागृति अभियान चलाया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वचन दिया है कि यदि इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस शराब दुकानों के खुलने बंद होने के समय को कम करेगी। शराब की दुकान आबादी वाले इलाकों से दूर होगी। अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। महिलाओं द्वारा विरोध किए जाने पर शराब दुकान बंद करवा दी जाएगी। वहीं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में नाइट कल्चर के नाम पर जमकर नशाखोरी चल रही है। रात रात को युवक युवतियां सरेआम सड़क पर मांस मदिरा एवं अन्य नशों का सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। द्विवेदी ने कहा कि इंदौर सभ्यता संस्कृति का शहर है, शांति का टापू है। नशे एवं शराब के कारण यहां पर अपराध बढ़ रहे हैं। नाइट कल्चर और पब संस्कृति शहर के युवाओं को पतन की गर्त में धकेल रही है। शराब दुकान बियर बार व्यावसायिक गतिविधि है, अतः इन्हें आवासीय स्थान पर खोले जाने की बजाय व्यावसायिक स्थान पर एवं शहर के बाहर खोलने की अनुमति ही रहेगी। कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले जनता की मांग अनुसार उस क्षेत्र में शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। शराब की दुकानों का समय कम किया जाएगा। नाइट कल्चर पर रोक लगेगी। व्यावसायिक क्षेत्रों में ही नई शराब की दुकानों को अनुमति दी जाएगी। 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में 1000 से अधिक की आबादी वाली क्षेत्रों में नाके के बाहर शराब की दुकानें होंगी। साथ ही साथ महिलाओं को अधिकार होगा शराब की दुकानों को बंद कराने का। हस्ताक्षर अभियान चलाकर उनकी मांगों पर विचार होगा, नियम बनाए जाएंगे और नाइट कल्चर पर रोक लगेगी। वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो शराब नीति में जो परिवर्तन हुआ है उससे कितना नुकसान हो रहा है? जनता का नुकसान हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और कई परिवार उजड़ रहे हैं, व्यापार और व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। शराब जीवन बर्बाद कर रही है, घर बर्बाद कर रही है, सरकार की कानून व्यवस्था बर्बाद कर रही है। ये सरकार की नीति नहीं थी। आप तो ये सरकार में ये बताओ कि देवी अहिल्या माता की प्रतिमा के सामने शराब की दुकान खोल दी। सनातन धर्म की बात करते हैं, देवी अहिल्या माता को इंदौर की प्रातः स्मरणीय देवी माना जाता है, विश्व में हमारी पहचान है। उन माता जी के पास में ही शराब की दुकान खोल दी। हरसिद्धि माता मंदिर के सामने शराब की दुकान खोल दी। हमारी सरकार में ये सब नहीं होगा। वो अपने बेटे के पत्र को तो जरा इकट्ठे बार बार पढ़ ले। हरसिद्धि मंदिर की दुकान हटाने के लिए आकाश विजयवर्गीय ने कितनी बड़ी मुहिम चलाई थी। तब क्या हो गया था? जनता से आकाश विजयवर्गीय ने वादा नहीं किया था? तब अधिकारी कोई और थे, सरकार कोई और थी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।